जय हिंद वंदे मातरम। टीजीआर की ओर से कुछ वैकेंसी निकाली गई है टीजीआर, और यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता, आप लोगों को पता होगा, डायरेक्ट अप्लाई होता है। जानेंगे छोटे से वीडियो के माध्यम से क्या वैकेंसी रहेगी, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले वैकेंसीज आपको मिलेगी ENG इंडिया लिमिटेड सुपरवाइजर की, यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। 25,000 रुपये सैलरी इन हैंड दिया जाएगा, उसके अलावा और भी यहाँ पर अलाउंसेस दिए जाएंगे एज पर कंपनी रूल के अनुसार। यहाँ पर काम रहेगा CCTV फायर अलार्म इलेक्ट्रॉनिक जो सेंसर्स हैं उनकी देखभाल करना। दो वैकेंसीज है, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जिन्होंने किया वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं भी किया आपने ग्रेजुएशन तो आप, इंटरमीडिएट नहीं भी है तो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 48 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। नोएडा सेक्टर 83 में यहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है। जॉब लोकेशन है 26 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसी कैबिनेट सेक्रेटरीट की है, ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। क्रैक केयर टेकर पोस्ट का नाम है। लेवल 5 की तनख्वाह जो दी जाती है 25,500 रुपये से 92,000 तक यहाँ पर सैलरी आपको लेवल 5-6 के अंदर दी जाती है। और इसके लिए जो भी यहाँ पर काम रहने वाला है जिसमें कि ऑफिस से रहकर जो सिक्योरिटी ड्यूटीज है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पर काम करना होगा, यानी बिल्कुल नॉर्मल काम रहने वाला है। 7 वैकेंसीज है, मैट्रिक पास होना चाहिए। पूर्व सैनिक जो भी नायक सुबेदार या फिर हवलदार इक्विवेलेंट रैंक के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यू दिल्ली और हाथी कांडा जॉब लोकेशन है 26 जून 2023 इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। यहाँ पे कोई एज का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेवल 5 की यहाँ पे तनख्वाह है और ग्रुप सी की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है तो ज़रूर अप्लाई करें। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी है जैसे मैंने बताया था, आप चेक भी कर सकते हैं। 25,500 रुपये से लगभग 81 या फिर 92,000 के करीब यहाँ पर सैलरी लेवल 5 के अंदर दी जाती है साथियों। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे है और स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट। लेवल 2 की तनख्वाह, लेवल 2 की तनख्वाह जो होती है 19,900 रुपये से 63,000 तक यहाँ पर दी जाती है, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेवल 2 के अंतर्गत जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर सैलरी दी जाएगी लेवल 2, और यदि 19,900 रुपये है तो लगभग आपका, यदि ये तो शुरुआत बेसिक है, उसके अलावा और भी यहाँ पर DA और अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो लगभग शुरुआत में ही आपको यहाँ पर अच्छी खासी तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है और लास्ट सैलरी है 63,000 तक आपको दी जाएगी। 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी और जो लाइट है, साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर मैकेनिक इंजन का। नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो भी 7 सिस्टर्स हैं उन जगहों पर पोस्टिंग रहेगी, हालांकि यहाँ पर पोस्टिंग का फिक्स लोकेशन नहीं बताया गया है। 10 वैकेंसी आपको मिलेगी 26 जून 2023 इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। किस तरह से अप्लाई करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये लिंक आपको एक एक्सेल PDF का है और जिसमें पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आपको नाम भरना होता है, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, ऑफिस का नाम, यदि आप अपने जो भी आपका जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड उसका नाम यहाँ पे होता है, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप भर रहे हैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स होती है, नाम नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, और यहाँ पर पूरी लिस्ट होती है दोस्तों, काफ़ी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के नाम दिए जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको इसका लिंक वीडियो का डिस्कशन मिल जाएगा जिसमें कि आप देख सकते हैं। और ये सभी वैकेंसीज़ के लिए आपको DGR में जाना, सॉरी आपको जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से ही अप्लाई करना होगा। ये जो फॉर्मेट आता है ये जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से इस फॉर्मेट के माध्यम से आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो ये थी वैकेंसीज, जानकारी अच्छी लगती लाइक शेयर करें, और अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। 26 जून 2023 लास्ट डेट। जय हिंद।